सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने जल्दबाजी और अंधाधुंध गिरफ्तारियों और अपराधियों को जमानत मिलने में हो रही देरी पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि आज जैसे हालात है उसमें हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया ही सजा है। साथ ही साथ विचारधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखने के मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। हमें आपराधिक न्याय प्रशासन की दक्षता को भी बढ़ाने के लिए एक समग्र योजना की जरूरत है। हम जहां जाते हैं लोग हमसे भी पेंडिंग केस का सवाल पूछते हैं, केस कब तक चलेगा। हम सब जानते हैं पेंडेंसी का कारण क्या है। पेंडेंसी का मुख्य कारण जुडिशियल वैकेंसी नहीं भरना और जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना इम्प्रूव नहीं होना है। उन्होंने आगे कहा, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष को भी मजबूत करने की मांग होती है। हमारे पास सरकार का एक ऐसा रूप है जहां कार्यप्रणाली राजनीतिक और संसदीय दोनों विधायिका के प्रति जवाबदेह है। जवाबदेही लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। सरकार और विपक्ष के बीच काफी आपसी सम्मान हुआ करता था। दुर्भाग्य से विपक्ष की गुंजाइश कम होती जा रही है। बता दें, सीजेआई रमना ने ये बात जयपुर में आयोजित नालसा के 18वें राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। सीजेआई रमना ने कहा कि चूंकि हम इस साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और देश के गणतंत्र हुए 72 साल हो गए, ऐसे में कुछ अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि हमने संविधान द्वारा प्रत्येक संस्था को प्रदत्त भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को अब तक नहीं समझा है।